बिहार में जानकारी दें तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हर गांव को पक्की सड़क पुल पुलिया से जोड़ने का वादा कर संकल्पित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के धरिया गांव वार्ड नंबर 3 में जो सड़क है वहां पक्की सड़क के निर्माण हुई है। वर्ष 2012 में 24,93,000 की लागत से बने पुल से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोसी सुरक्षा बांध रेलवे बांध के पश्चिम थरिया गांव के लोगों की खेती होती है, पशुओं की चारा लाया जाता है। पानी में बता दें कि पुरुष और महिलाएं तैरकर मवेशियों के लिए चारा लाते दिखाई दे रहे हैं, जो आए दिन हादसों का शिकार होने का भी कारण बन रहे हैं। वहीं ग्रामीण बता दें कि राज नारायण के साथ ही सरपंच बच्चेलाल शर्मा के साथ वार्ड सदस्य एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे, जिनके द्वारा बताया गया है और इस समस्या के बारे में रूबरू कराया गया है। उनका कहना है कि आश्वासन ही मिलता आया है और समस्या का निपटान अभी तक किसी भी अधिकारी सांसद के द्वारा नहीं कराया गया। लोगों का बहुत समस्या यहाँ है, जो 5 गाँव का लोग हम लोगों को जाने आने का बहुत दिक्कत है, इसलिए अभी भी बच्चा लोग हेल करके दिए हैं, सबको देख लिए हैं यहाँ। और समस्या बहुत गड़बड़ है, जो ये पुल के लिए दिलेश्वर बाबू को हम मंगाए थे यहाँ देखने के लिए, देख करके और चला गया, कहा जो हम लोग कर देंगे, उसके बावजूद अभी तक कोई काम नहीं किया है। बात यही है, इतना हम लोग को कहना है। इस संदर्भ में आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं। अरे हम तो नहीं दिए, इन बच्चे लोग से दिलवा दिए हैं, वही दिए हैं, दिलवा दिए हैं जी, ये चीज़ दे दीजिए, जो अपना सुनवाई होगा, पुल तुल बन जाएगा तो हम लोगों का सुविधा होगा। इसलिए हम लोग जो है ना, बहुत कठिनाई से धियापुता देख रहे हैं अभी, कितना इस पर चारा उड़ा लाते हैं और सब कुछ, ये बहुत दिक्कत है हम लोगों को। इसीलिए हम लोग को है जो किसी हालत से पुल बनवा दीजिए, हम लोग का सब चीज़ आनंद हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? अगमलाल मंडल, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 सदस्य। कैसे आए हैं यहाँ के? हमारे पास समस्या है, हम लोग किसान है, हम लोगों का अधिकतर खेती बांध से पश्चिम है, इसलिए हम लोगों को खेती बाड़ी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और पशु जो पोस रहे, माल जो पोस रहे हैं, पशु का चारा भी हम लोगों को उसी पार से आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ये बन जाने से बहुत अच्छा होगा, नदी बन जाएगा। बहुत प्रयास किए हम लोग, देशर बाबू और रामविलास बाबू ने कहे थे कि हम अपने फंड से बनवा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग बहुत बार सुपौल जाके उससे भेंट भी किए हैं, उनसे कहे भी हैं और कितने पेटिशन भी दे चुके हैं, कहता है लॉकडाउन कह के हम लोग को ठग लिए हैं, ठग फुसला करके हम लोग को रखे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग वही आग्रह करेंगे, यदि हम लोगों का यदि पुल बन जाने से यहाँ 5 गाँव के लोगों को बहुत सुविधा होगी। गाँव का नाम भी बता दीजिए। मलार, महीपट्टी, थरिया, पुनर्वास, ये 5 गांव जो है, और हाथा, मेहद, नवाबाकर, खानपुर, ये सब जो है, सबको सुविधा होगा बन जाने से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो उत्तमलाल मंडल। कौन सा जगह है ये? थरिया।